बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जॉब वर्ल्ड में आप सबको वेलकम। तो व्यूअर्स, आज मैं जिस जॉब के अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ वो पिम्स में है, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त असामियों का ऐलान किया गया है। पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल्स जानने के लिए आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ पर आपके सामने इसकी कंप्लीट डिटेल्स है। इसका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वहां से आप डायरेक्ट इस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं और देख सकते हैं कि इसमें क्या कौन कौन सी असामियां हैं और कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पिम्स हॉस्पिटल जो इस्लामाबाद है उसकी जो जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये जो जॉब यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी इस्लामाबाद की जॉब्स हैं, और एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में इसका ऐड आया है। इसकी पब्लिश डेट 22 अप्रैल है, जबकि इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 30 अप्रैल है। ऑर्गेनाइजेशन पिम्स है, ये पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। यहाँ पर MBBS वाले अप्लाई कर सकते हैं, नर्सिंग का जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है BSc नर्सिंग वो कर सकते हैं। इसके अलावा FSC मिडल मैट्रिक डिप्लोमा, और इसके अलावा यहाँ पर प्राइमरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। प्योर गवर्नमेंट बेस्ड जॉब है और ये मेडिकल की जॉब्स हैं। तो यहाँ पर जो है इसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी है, यहाँ से मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स बता सकती हूँ कि मेडिकल ऑफिसर के लिए इन्हें MBBS जो है एजुकेशन रिक्वायर्ड, और इसकी 30 पोस्ट है। ये जो है 30 पोस्ट ये मेल के लिए हैं, और इसमें ही सेम मेडिकल ऑफिसर जो है वुमेन मेडिकल ऑफिसर उसके लिए भी सेम जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है, और उसकी 10 पोस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा कंसल्टेंट जो चेस्ट स्पेशलिस्ट है उसके लिए MBBS विद FCPS, तो जो है ये चेस्ट डिजीज इनके लिए इनकी ये जो है रिक्वायरमेंट है एजुकेशन की, और यहाँ पर इसकी 2 असामियां हैं। यहाँ पर बोथ अप्लाई कर सकते हैं मेल और फीमेल। इसके अलावा कंसल्टेंट एनालिथिस्ट, और इसके अलावा कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन। तो यहाँ पर जो इसकी एजुकेशन रिक्वायर्ड है MBBS विद FCPS या MS या MD यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 4 पोस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा हेड नर्स है जो उसके लिए इन्हें सेम जो है यहाँ पर जो नीचे आप 4 नर्स में आप पढ़ सकते हैं कि BSc नर्सिंग जेनरिक यानी कि 4 ईयर्स का जिनके पास ये डिप्लोमा है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो हेड नर्स के लिए भी यही है, और साथ में वो कह रहे हैं कि विद एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर्स एज चार्ज नर्स। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसकी 4 पोस्ट है, और अगर हम चार्ज नर्स की बात करें तो उसके लिए जो एजुकेशन रिक्वायर्ड है वो BSc नर्सिंग है, और यहाँ पर जो इसकी 80 पोस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं कि लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, उसके लिए FSC भी सेकंड VN यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी 6 सीटें हैं यहाँ पर। नर्स एड की बात करें तो मैट्रिक विद साइंस होना यहाँ पर ज़रूरी है, और इसकी 30 सीटें हैं यहाँ पर। इसके अलावा वार्ड बॉय हो, अटेंडेंट हो, या सिक्योरिटी गार्ड आया, इन सब के लिए सेपरेटली मिडल पास होना इसके लिए जो रिक्वायर्ड है उनकी एजुकेशन क्राइटेरिया। यहाँ पर इसकी 60 असामियाँ हैं। सैनिटरी वर्कर की बात करें तो प्राइमरी पास इन्हें चाहिए, और उसकी 30 असामियां हैं। तो यहाँ पर आपने इसकी तमाम डिटेल्स देख ली। अब हम बात करेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने क्या करना है, अपनी एप्लीकेशन जो है यानी कि जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और किस वजह से वो उसमें लिख के साथ उन्होंने अटेस्टेड कॉपीज लगानी अपने डॉक्यूमेंट्स की, और उसके साथ ही अपना डोमिसाइल होगा, उनका CNIC होगा, और कॉन्टैक्ट नंबर, सेल नंबर, एकेडमिक अगर उनकी किसी किस्म के जो भी डिग्रीज या मार्कशीट हो, उनके सर्टिफिकेट्स, और अगर उनके पास किसी किस्म का एक्सपीरियंस है तो उन सबको उन्होंने क्या करना है, एक अदद लिफाफे में डालना है, उसके बाद जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सारा उसमें लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, अपना एड्रेस भी लिखना है, और ख़ुद लेकर जाना है ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू। आपको पहले से कहीं भी अपने जो है डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाने, आपको ऑन द डे ऑफ इंटरव्यू ही लेकर जाना है, तभी आपका ऑन द स्पॉट आपका जो है इंटरव्यू होगा, और उसके बाद अगर आपको सिलेक्ट करना होगा तो सिलेक्ट कर लेंगे, और जो भी उनका क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर हम सबसे आपके साथ ये ज़रूर मेंशन करेंगे कि इंटरव्यू की डेट और वेन्यू क्या है। यहाँ पर आपके सामने ये है, आप देख भी सकते हैं कि मेडिकल ऑफिसर के लिए, वुमेन मेडिकल ऑफिसर के लिए, कंसल्टेंट चेस्ट के लिए स्पेशलिस्ट या कंसल्टेंट एंथेसिनिया, और इसके अलावा हेड के लिए जो है कंसल्टेंट क्रिटिकल मेडिसिन, तो इनके लिए जो 23 अप्रैल है, तो MCH जो है ऑडिटोरियम पिम्स जो है यहाँ पर इस्लामाबाद, यहाँ पर 10 बजे जो है इनका इंटरव्यू होगा। हेड नर्स और चार्ज नर्स की बात करें तो इनका जो इंटरव्यू वो 27 अप्रैल को होगा MCH, सेम इनका भी जो है एरिया यहीं पर इनका इसी जगह पर होगा, और इनकी जो डेट है वो है 27 अप्रैल, और सुबह 10 बजे इनका इंटरव्यू है। इसके अलावा जो लास्ट कैटेगरी की बात करें तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, नर्स एड, वार्ड बॉय, अटेंडेंट, सिक्योरिटी गार्ड आया या सैनिटरी वर्कर, जो इनका जो है इंटरव्यू वो 30 अप्रैल को होगा 2020, और यहाँ पर इनका भी सुबह 10 बजे होगा इस्लामाबाद में MCH ऑडिटोरियम पिम्स G8/3 इस्लामाबाद। तो ये थी आज की कंप्लीट और डिटेल वीडियो के पिम्स जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर जो जॉब्स आई हैं।
तो इसकी हमने तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की। मजीद इसी तरह की वीडियो से अपडेट रहने के लिए जॉब डॉट के मेंबर बने। अब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।